बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर के साथ कर रहे हैं। सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मानहानि के एक मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी सांसद हैं, इसीलिए अगर अभियुक्त को कम सजा अगर दी जाए तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा। हालांकि कोर्ट ने राहुल गांधी को 1 महीने के लिए जमानत दे दी है। राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनावों के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी। कोर्ट के फैसले के बाद राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कर्नाटक के कोलार में सरनेम को लेकर राहुल गांधी के बयान ने ऐसा हंगामा बरपाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अब सजायाफ्ता हैं, कानून की नजर में दोषी हैं और उन्हें 2 साल की सजा हुई है। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में राहुल को सजा का मुद्दा गूंजेगा, मगर चुनाव में दोनों दल जब उतरेंगे तब उतरेंगे। फिलहाल तो ये समझिए कि आज सूरत की अदालत में हुआ क्या। 2019 के मानहानि केस में आज राहुल पर फैसला आना था। सूरत की अदालत के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जमावड़ा था। करीब 11 बजे राहुल कोर्ट में दाखिल हुए और 2 मिनट के भीतर ही राहुल को दोषी करार दे दिया गया। जैसे राहुल जी कोर्ट रूम में एंटर हुए, 2 मिनट में जज साहब ने डिक्लेयर कर दिया डायस पर से कि मैं आपको 499 और 500 में आपको गुनहगार दायर करता हूँ। मतलब ही हैज बीन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 ऑफ द आईपीसी। जब कोर्ट ने यह तय कर दिया कि राहुल गुनहगार हैं, तब सजा को लेकर दोनों ओर से बहस शुरू हुई। राहुल गांधी को कटघरे में बुलाया गया। अदालत ने पूछा कि आपको क्या कहना है, तो राहुल ने कहा कि मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला, मेरे बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। राहुल गांधी जी कोर्ट में आए तब उन्हें पूछा गया कि यू आर गिल्टी, व्हाट यू वांट टू से रिगार्डिंग दिस गिल्टी। उन्हें दोषी जाहिर किया तो कोर्ट ने उन्हें पूछा कि आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो हमेशा करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता हूँ, ये है तो मैंने ये बोला था, जो भी है इंटेंशनली कुछ नहीं किया था, जो भी इन्होंने किया है उससे किसी को हार्म नहीं हुआ है, ना ही कम्प्लेन उनको, ना ही किसी को कुछ हार्म नहीं हुआ है। राहुल के बोलने के बाद कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ी। कोर्ट में मौजूद राहुल गांधी के वकील ने कहा कि उन्हें दया नहीं चाहिए, वो माफी नहीं मांगेंगे। वकील साहब के ओर से दलील हुई, उसमें ये बताया गया कि भाई हम कोर्ट से कोई माफी नहीं मांगते, हमें कोई दया नहीं चाहिए। लेकिन जो अच्छा, राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। जी, स्पष्ट शब्द में कहा गया कि हमें दया नहीं चाहिए। अच्छा, उन्होंने माफी मांगने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। माफी मांगने का सवाल नहीं था, कन्विक्शन हो ही गया है तो माफी मांगने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। माफी मांगने से सजा कम नहीं हो सकती। माफी मांगने कोई मेरे हिसाब से प्रश्न हुआ नहीं था। सजा को लेकर बहस आगे बढ़ी तो राहुल गांधी के वकील ने कहा कि राहुल ने सियासी नेता की हैसियत से भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सांसद कानून तोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। राहुल के वकील ने कहा कि यह उनकी पहली गलती है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी। फिर राहुल के वकील ने कहा कि उनके बयान से किसी को हानि नहीं पहुंची है। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि राहुल गांधी को सख्त सजा मिले। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील की दलील मान ली और राहुल को 2 साल की सजा सुना दी। आर्गुमेंट में ऐसा कहा गया कि राहुल जी ने फर्स्ट ऑफेंस है, पॉलिटिकल लीडर है, उसने इस डिस्चार्ज इज ड्यूटी, उसके अलावा कुछ नहीं किया। फरियादी के वकील ने बोला कि राहुल जी को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने वार्निंग दिया था कि माफी मांगी थी कि आपका कंडक्ट भविष्य में ठीक रहे। वो बात बताते हुए उसने मैक्सिमम सेंटेंस के लिए फरियादी के वकील ने दलील की। लगता है अभी जजमेंट हाथ में नहीं आया कि उनकी दलील कोर्ट ने मान ली है और 2 साल की सजा सुनाई दी है। सजा सुनने के बाद राहुल गांधी कोर्ट से बाहर आए और लोगों का अभिवादन करते हुए गाड़ी में बैठ गए। हालांकि आज तो राहुल गांधी जमानत पर यहां से रिहा हो गए, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान राहुल गांधी को कोर्ट के अंदर, ऊपरी अदालत के अंदर जाना रहेगा। ऊपरी अदालत में अपनी जो याचिका है उसे दायर करनी रहेगी। लगातार जो गुजरात के चक्कर है वो राहुल गांधी को यहां पे काटने रहेंगे। कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है, सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, महात्मा गांधी। तमाम सियासी शोर के बीच सवाल ये कि अब राहुल क्या करेंगे। सूरत कोर्ट ने सजा के ऐलान के फौरन बाद राहुल को 30 दिनों के लिए जमानत दे दी ताकि वो फैसले के खिलाफ अपील कर सके। अब राहुल गांधी फैसले के खिलाफ सीधे हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, उन्हें फिर से सेशंस कोर्ट में दस्तक देनी होगी। अगर सेशंस अदालत में बात नहीं सुनी जाती तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रास्ता लिया जाएगा।
जाहिर तौर पर इस सजा के बाद राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ेंगी, मगर ये भी सच है कि राहुल को मिली सजा का मुद्दा लोकसभा चुनाव की चकल्लस को और बढ़ाएगा। सूरत से गोपी घांघर और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी को सजा हुई तो कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि उन्हें पहले से ही मालूम था कि यही फैसला आएगा, क्योंकि बार बार सूरत कोर्ट के जज बदले जा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बयान दिया तो बीजेपी ने सवाल उठाया है कि क्या कांग्रेस को कोर्ट पर भरोसा नहीं है? क्या यह कोर्ट का अपमान नहीं है? राहुल गांधी जी, आप देश को कब तक मिसलीड करेंगे? पहले से ये लोग जज को बदलते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला जा रहा था? बदला गया? यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो? कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर इन दिनों हंगामा मचा हुआ है। पिछले एक हफ्ते तक संसद में राहुल गांधी के नाम पर घमासान मचा रहा। ये मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि राहुल गांधी को सूरत की अदालत से बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम पर टिप्पणी के मामले में आज सूरत की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के फैसले के बाद अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। कोर्ट के फैसले से नाराज देश के कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर आकर और प्रदर्शन करने लगे। हालांकि कांग्रेस कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है, तो वहीं बीजेपी को राहुल गांधी पर हमलावर होने का ये बड़ा मौका मिल गया, जिसे भुनाने में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोर्ट के फैसले पर एक तरफ जहां कांग्रेस न्यायिक प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का ढिंढोरा पीट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोर्ट और सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उनका आरोप है कि राहुल गांधी पर फैसले से पहले कोर्ट के जजों को बार बार बदला गया है। पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। क्या ये चैलेंज किया जाएगा फिर से सूरत कोर्ट का फैसला? नहीं, कानून के तहत ही लड़ेंगे। राहुल गांधी के इस मुद्दे पर बीजेपी आक्रामक मूड में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया और आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कानून को जेब में रखना चाहती है। आश्चर्य लगा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब के कमेंट पर। क्या कह गए कि कोर्ट को बार बार बदला जा रहा था? बदला गया? यू डोंट ट्रस्ट द कोर्ट ऑल्सो? कांग्रेस पार्टी एक न्यायपालिका को भी अपने जेब में रखना चाहती है? खड़गे साहब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ही मस्ट मेक रिस्पॉन्सिबल कमेंट्स। क्या कहना चाहते हैं कि बार बार जज को बदला गया? इट इज अ सीरियस इश्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑल्सो। सिर्फ रविशंकर प्रसाद ही नहीं, इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के लिए बीजेपी की पूरी ब्रिगेड मैदान में कूद पड़ी। इसी कड़ी में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे उनका और उनकी पार्टी का ही नुकसान होता है। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं वो आजकल ऐसा हो गया कि उससे सिर्फ नुकसान ही होता है। उनका पार्टी के लिए नुकसान होता ही होता है, लेकिन सबके लिए, देश के लिए भी अच्छा नहीं है। कांग्रेस के कुछ MPs और कांग्रेस के कुछ नेता मुझे बताया, आज भी बताया, कि राहुल गांधी का जो रवैया है उसके वजह से सब खराब हो गया, उनके पार्टी भी डूब रहा है और साथ साथ में बाकी को भी नुकसान होता है। अब बीजेपी के इन आरोपों का जवाब देने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने मोर्चा संभाल लिया और उन्होंने बीजेपी पर एक के बाद एक काउंटर अटैक किए। उनका दावा है कि इस तरह की पॉलिटिकल बयानबाजी होती रहती है। राहुल गांधी जी के ये जो कमेंट है, ये तो पॉलिटिकल कमेंट चलते रहते हैं। हम तो 40-50 आते देखते हैं ऐसे पॉलिटिकल कमेंट। पता नहीं वाजपेयी जी ने, अडवाणी जी ने कितने किए होंगे, कोई सोच नहीं सकता। वो ज़माना और था, ये ज़माना और, इतना ही फ़र्क है। उस ज़माने में कभी इस प्रकार के कोर्ट केस नहीं होते थे।
एक तरफ बीजेपी राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी के समर्थन में ट्वीट किया, तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कुल मिलाकर इस गर्मा गर्म मुद्दे पर सियासी गलियारों में छिड़ा घमासा थमता नहीं दिख रहा। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद क्या राहुल गांधी की संसद सदस्यता जा सकती है या उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है, इन तमाम सवालों पर कांग्रेस नेता बी के हरिप्रसाद ने क्या कहा है, देखिए जरा। सर, राहुल गांधी क्या अब अपनी कुर्सी से हाथ धो बैठेंगे क्योंकि उनको 2 साल की सजा हो गई है? देखिए, जो कानून है 8(3) की जो प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में, उसमें अगर वो 2 साल से ज्यादा की सजा हो तभी डिस्क्वालिफिकेशन होता है। तो नॉट लेस देन 2 ईयर्स जो बोला हुआ उस सेक्शन में फॉर द पर्पस ऑफ सेविंग समबडी फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन। इसलिए अगर आप 2 साल तक की सजा है तो आप डिस्क्वालीफाई नहीं है, 2 साल से अगर ज्यादा की सजा है तभी डिस्क्वालीफाई है। और इस सेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जो क्लैरिफाई करता है कि एक्सीडिंग 2 ईयर्स में डिस्क्वालिफिकेशन होगा। तो मतलब 2 साल की जो सजा है उसका कोई मतलब नहीं, 2 साल एक दिन होता तब डिस्क्वालिफिकेशन होती, एक्सीडिंग 2 ईयर्स होना चाहिए फॉर डिस्क्वालिफिकेशन टू सेटिंग। तो 2 साल की सजा की जो प्रावधान है आरपी एक्ट में उसका क्या है, उसमें 2 साल का जो रेफरेंस आया है ना वो 2 साल तक का सेविंग है, 2 साल की सजा की बात नहीं कर रहा है। 2 साल की सजा बात करता होता तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। वो कहता है 2 साल तक उनको डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा, ये बोल रहा है। इसलिए 2 साल तक अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली एक्सीडिंग 2 साल में ही डिस्क्वालिफिकेशन होगा। अब राहुल गांधी के सामने क्या ऑप्शंस हैं, कानूनी क्या स्टेप्स ले सकते हैं वो? राहुल गांधी को अपील तो डालना ही पड़ेगा क्योंकि अदरवाइज उनको जेल जाना पड़ेगा 1 महीने के अंदर, अगर 1 महीने में उनको सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस नहीं मिला तो। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी 30 दिन के अंदर अपील डाल करके सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को कंटिन्यू कराना होगा। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी अपनी सीट खो चुके हैं, डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने ये डेफिमेशन केस में उनका कन्विक्शन हुआ है और 6 साल तक अब वो इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे। आप इस देखिए, जब अगर डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं होगा तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ने का कोई, डिसेबिलिटी आने का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। और कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलेगी मैं उस पर तो कमेंट नहीं कर सकता, मैं तो खाली कानून के बारे में आपको बता सकता हूँ। राहुल गांधी सूरत से गुरुवार को ही दिल्ली लौट आए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके समर्थन में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम जमा हो गया था। देखिए हमारे संवाददाता सुप्रिया भारद्वाज की इस रिपोर्ट को। इस समय हम दिल्ली के T1 एयरपोर्ट टर्मिनल पे है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो VIP लाउंज है और यहीं पे जो है तमाम कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। देखिए राहुल गांधी आ गए, आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो है यहाँ पहुंच गए दिल्ली में और यहाँ से वो जो है निकलते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी के साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के जो है MPs हैं, सांसद हैं, एंड आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी इस समय पहुंचे हैं और सूरत से यहाँ पे पहुंचे हैं। आप देखिए यहाँ पर एयरपोर्ट का दृश्य हम दिखा रहे हैं और यहाँ से एयरपोर्ट से राहुल गांधी निकल रहे हैं, आप फ्रेम देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे जो है मौजूद थे और यहीं पे आप देख सकते हैं राहुल गांधी एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, उनके साथ तमाम पार्टी के सांसद हैं और यहाँ का जो दृश्य है हम आपको एयरपोर्ट का दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो हजूम है वो उमड़ा हुआ था कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का। और यहाँ से निकलते हुए राहुल गांधी जो है आगे जा रहे हैं, उनकी यहाँ पर गाड़ियाँ जो है वो खड़ी हुई हैं और यहाँ का दृश्य जो है हम आपको ग्राउंड जीरो का दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पुलिस का भारी बंदोबस्त था और यहाँ पर सूरत जो एयरपोर्ट है उसने उनको जो है सजा दी थी। और उसके बाद अब यहाँ पर हम आपको दृश्य जो है ग्राउंड जीरो का दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और यहाँ से निकलते हुए जो है वो आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो ये जो दृश्य है ये एयरपोर्ट का है, राहुल गांधी और उनके साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम जितने MPs हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद थे और ये टर्मिनल T1 है दिल्ली का एयरपोर्ट का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के तमाम सांसद और नेता मौजूद हैं और ये यहाँ पर दृश्य आप देखिए कि किस तरीके से हम दिखा रहे हैं आपको कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और सांसद यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट से राहुल गांधी निकले हैं, सुबह जो है सूरत पहुँचे थे और उसके बाद यहाँ पर सूरत से जो है वहाँ पर उनको कन्विक्शन हुई और कन्विक्शन के बाद अब यहाँ पर जो है एयरपोर्ट से वो निकले हैं। और एयरपोर्ट पे आप जो है दृश्य देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हजूम आप देख सकते हैं, MPs जो है वो लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ पर से जो गाड़ियों का काफिला है वो निकलता हुआ इस समय आगे बढ़ा चला जा रहा है।
गुजरात के राजकोट से आई खबर भी चौंकाने वाली है। राजकोट में दो सफाई मजदूरों की मौत अंडरग्राउंड गटर की सफाई करते समय हुई है। गहरे गटर में मौजूद जहरीली गैस से दोनों की जान चली गई। वाल्मीकि समाज अपने साथियों की मौत से अब आंदोलित है। सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि आखिर गुजरात सरकार सफाई कर्मचारियों के लिए सुरक्षा किट का इंतजाम क्यों नहीं कर देती। ना किसी रामधुन का असर होता है, ना किसी बेबस की चीत्कार का। गुजरात के राजकोट में दो मजदूर की मौत अंडरग्राउंड नाले की सफाई करते वक्त हो गई। दो साथियों की मौत की खबर मिलने के बाद श्रमिक समाज का शव टूट गया। तस्वीर गुजरात के राजकोट की है, जहां पीड़ित परिवार ने पुलिस प्रशासन के दबाव के बावजूद मारे गए दोनों सफाई कर्मचारियों के शवों को लेने से इनकार कर दिया है। घटना से आहत वाल्मीकि समाज धरना प्रदर्शन के लिए बैठ गया। मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सरकार की गाइडलाइन है कि कोई भी ऐसा गटर में काम कर रहा है, ड्रेनेज में काम करने के लिए लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो स्पष्ट गाइडलाइन है कि किसी को गटर में नहीं उतारा जाता, उसके हिसाब से साधनों से उसका काम, सफाई का काम करना चाहिए। गरीब परिवार से आते हैं, वो बहन वो विधवा हो गई है, उसकी 21 वर्ष की उम्र है, उसकी माँ भी विधवा है, उनके पास रहने का घर भी नहीं है, तो हमारी डिमांड है कि वो जो उसकी विधवा औरत है उनको नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी भी मिलनी चाहिए कॉरपोरेशन में, और उसको आवास भी होना चाहिए। दरअसल बुधवार के दिन राजकोट के मवली स्थित सम्राट रोड पर अंडरग्राउंड गटर में राजकोट महानगर पालिका के दो कर्मचारी मेहुल और अफजल सफाई करने उतरे थे, लेकिन जहरीली गैस से बेहोश होकर अंदर ही नीचे गिर गए। पहले मेहुल पर जहरीली गैस का असर हुआ, जब उसे बचाने के लिए अफजल नीचे उतरा तो जहरीली गैस ने उसकी भी सांसें बंद कर दी। गईकाल ना रोज बे इसमों ना जे मृत्यु ना समाचार मळ्या छे, अने आ बनाव जे छे खूब ज दुखद बनाव छे। अत्यारे ગઈકાલ રાતથી જ કોર્પોરેશનના સિનિયર અધિકારીઓ, પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ સતત જે છે એ પરિવારજનો અને એમની સાથે જે આવેલા છે તમામ ઇસમો સાથે કન્સલ્ટેશનમાં છે, નેગોશિએશનમાં છે। એમને જે કોઈ કાયદાકીય સહાય થતી હોય એ માટેની પણ કાર્યવાહી જે છે સંલગ્ન વિભાગ દ્વારા શરૂ કરી દેવામાં આવેલી છે, એના માટેની કાર્યવાહી સાથે સાથે એમની જે પણ કંઈ માંગણીઓ જે છે એ બાબતે પણ સહાનુભૂતિ પર વિચારણા કરવામાં આવી રહી છે। દેશ કો વિશ્વગુરુ બનાને કી બાત તો ખૂબ જોરશોર સે હોતી હે, लेकिन भारत में यहां तक कि गुजरात जैसे समृद्ध राज्य में भी गटर साफ करने वाले मजदूरों की सुरक्षा को लेकर कोई ठोस उपाय नहीं हुआ। भूमिगत नालों में, चैम्बर में जहरीली गैसों का बनना आम है। इस खतरे को टालने के लिए सरकार सफाई कर्मचारियों को कोई सुरक्षा किट देने का इंतजाम भी नहीं करती, स्थायी नौकरी भी नहीं देती, और कॉन्ट्रैक्ट पर 3 से 4 हजार रुपए में जिंदगी को दांव पर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। सरकार की भूल मान रहा हूँ, सरकार की भूल यह है कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई ये हमारे वो अधिकारी तो काम बता के चले जाते हैं, फिर पीछे से ये जो बनाव बनता है तो बाद में बनता है ना। सरकार को इनकी जिंदगी की चिंता तो नहीं है, आलम यह है कि विधानसभा में खुद सरकार के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल में 11 सफाई कर्मचारियों की मौत गटर की सफाई के दौरान हो गई। इनमें से 5 के परिवार को मुआवजा मिला और अभी भी 6 पीड़ित परिवार मुआवजे की आस में बैठे हैं। राजकोट से तेजस सिंघानिया के साथ आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2023 के लिए 54 गणमान्य लोगों को पद्म सम्मान से सम्मानित किया है। आइए देखते हैं गुजरात की किन हस्तियों को यह खास सम्मान मिला है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इस बार 106 पुरस्कार विजेताओं को पद्म सम्मान दिया गया है, जिनमें 91 हस्तियों को पद्मश्री, 9 हस्तियों को पद्म भूषण और 6 हस्तियों को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इस दौरान हॉल में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई बड़ी हस्तियां मौजूद रही। सम्मान पाने वालों में गुजरात राज्य की भी हस्तियां थी, जिन्हें उनके सर्वोच्च कार्य के लिए पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और विरासत को समेटे रखा है। ये वो गुमनाम हीरोज हैं जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में महारत हासिल है।
गुजरात के सिद्धी समाज के हीराबाई इब्राहिम लोबी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अफ्रीकी मूल के सिद्धी समुदाय के हीराबाई इब्राहिम लोबी ने सिद्धी समुदाय के उत्थान के लिए पूरी जिंदगी खपा दी। श्रीमती हीराबाई बिन इब्राहिम भाई लोबी समाज से। हीराबाई लोबी ने पद्मश्री लेने से पहले राष्ट्रपति भवन में मौजूद नेताओं को प्रणाम किया। पुरस्कार लेने के बाद उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के कंधे पर प्यार से हाथ रखा। हीराबाई का प्यारा सा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। श्री महिपत राय प्रताप राय कवि कला कठपुतली। गुजरात में रहने वाले 91 साल के श्री महिपत राय प्रताप राय कवि को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया है। श्री प्रताप राय कवि कठपुतली के महान कलाकार हैं। इन्हें नाटकों के माध्यम से सामाजिक मुद्दों को आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए जाना जाता है। कला संस्कृति और परंपरा को जीवित रखने की चाह हो तो उन्हें जीवित रखा जा सकता है। इसी कड़ी में पुरस्कार पाने वालों में अगला नाम भानुभाई चितारा का भी था। श्री भानुभाई चुनीलाल चितारा चित्रकला। 80 साल के भानुभाई चितारा मातानी पचड़ी कला को 400 सालों से जीवित रखा है। मातानी पचड़ी गुजरात की सबसे पुरानी हस्तकला है, जिसका अर्थ माँ देवी के पीछे होता है। इसमें कपड़े पर पेंटिंग से महीन चित्रकारी करके नेचुरल कलर भरे जाते हैं। इस चित्रकारी के जरिए देवी देवताओं के अलग अलग रूप और उनकी कहानियों को दर्शाया जाता है। भानुभाई चितारा ने सालों से चली आ रही इस कला को संजोए रखा है, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया है। ये हमारे को वारसे में मिला है। किसने सिखाया था आपको? हमारे माता पिताजी, और कौन सिखाएगा। ये यादगार रहा हमको, जो नेशनल अवार्ड मिला था 2012 में, वो बड़ा यादगार पीस बनाया था। क्या बनाया था आपने? मातानी पछेड़ी। प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग। गुजरात भरूच जिले के रहने वाले प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र पाल को विज्ञान और शोध के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर महेंद्र पाल भारत में वेटरनरी माइकोलॉजी के महान हस्तियों में से एक हैं, जिन्हें रोगों में कवक की भूमिका पर उनके शोध के लिए जाना जाता है। आज तक ब्यूरो।